इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम साधु वर्षा है। आज मैं आपको कक्षा पांचवी का हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। छात्रों, पिछली तासिका में हमने रोहिताश्व अस्ताना जी इनकी बूंदे यह कविता देखी थी, तो आज हम पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है योग्य चुनाव। यह पाठ सुधा शर्मा जी इन्होंने लिखा है, तो आप सबको पाठ पर ध्यान केंद्रित करना है। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है योग्य चुनाव। योग्य चुनाव मतलब सही चयन। योग्य चुनाव का मतलब मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। अगर हम कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर हम किस प्रकार की सब्जियाँ खरीदेंगे? हाँ, सही कहा, जो कि खाने के लिए अच्छी हो, फ्रेश हो, ऐसी सब्जी हम चुनेंगे, ना कि कोई भी सड़ी गली सब्जियाँ हम लोग चुनेंगे। छात्रों, मैं आपको और एक उदाहरण द्वारा इसका अर्थ समझाती हूँ। अगर हम लोगों को देश का नेता चुनना है तो किस प्रकार का नेता हम चुनेंगे? जो कि बहुत ही ईमानदार नेता हो, जो देश की भलाई के बारे में सोचता हो, जो गरीबों के हितों के बारे में सोचता हो, ऐसे नेता को हम चुनेंगे, ना कि कोई गुंडे मवाली को हम देश का नेता चुनेंगे। तो छात्रों, इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक राजा होता है। राजा का नाम होता है मंगलसेन, और इसके ही एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है जगतराम जी। जगतराम जी बहुत ही ईमानदार होते हैं, हमेशा राजा साहब की मदद करने वाले होते हैं, गरीबों के हितों के बारे में सोचने वाले होते हैं, और हमेशा न्याय पर भरोसा रखने वाले इंसान होते हैं। तो छात्रों, बात यह है कि अब जगतराम जी बूढ़े हो चुके हैं। अब वे राजा साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजा साहब, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे सेवा से मुक्त कीजिए। तो उस पर राजा मंगलसेन जी कहते हैं कि मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, पर आप सबसे पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार इंसान पहले चुन के लाइए, फिर ही मैं आपको सेवा से मुक्त करूंगा। उसके बाद किस तरह से जगतराम जी नए मंत्री का चुनाव करते हैं, यह हम इस पाठ में देखेंगे। योग्य चुनाव, योग्य यानी सही, चुनाव यानी चुनना। देखिए, हमारी पाठ का नाम है योग्य चुनाव। छात्रों, इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा। इस पाठ का अब हम अध्ययन करेंगे। राजा मंगलसेन के मंत्री बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े यानी वृद्ध। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। स्वयं यानी खुद, सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना, विनती यानी प्रार्थना। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम जी बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की प्रार्थना की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर सकता हूँ। सेवाभावी यानी सेवा की भावना वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, ईमानदार यानी सच्चा। तो छात्रों, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे,
जब जगत राम जी ने राजा से कहा कि महाराज मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे इस सेवा से मुक्त कीजिए। उस पर राजा मंगलसेन ने कहा कि पहले आप अपने जैसा ईमानदार सेवाभावी परोपकारी सेवक को ढूंढिए, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, आपको इस सेवा से मुक्त करूँगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा यानी ढोल पीट कर दी जाने वाली घोषणा, उसे ढिंडोरा पीटना कहते हैं। मंत्री जगत राम जी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि राज्य में अब हम नए मंत्री का चुनाव करेंगे। यह सूचना राज्य में रहने वाले सभी लोगों को दी जाए और यह चुनाव अगले गुरुवार को होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। यहाँ पर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए मंत्री का चुनाव कौन से दिन किया जाने वाला था। तो नए मंत्री का चुनाव गुरुवार के दिन किया जाने वाला था। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी दूत, इच्छुक यानी जिसकी इच्छा है वो, ढिंडोरा यानी डोल पीटकर दी जाने वाली घोषणा। मंत्री जगत राम जी ने हरकारे से कहा कि इस पद के जो भी इच्छुक है वे राजदरबार में 11 बजे पहुंचे और हरकारे भी गांव गांव जाकर यह सूचना का ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राजदरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले यानी चुनाव वाले दिन, नवयुवक यानी जो हमारे युवा यानी यंगस्टर होते हैं वे, चयन वाले दिन यानी गुरुवार के दिन राजदरबार की ओर जाने वाली सड़क पर युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। युवक यानी जवान, सैकड़ों की संख्या में नवयुवक कहा जा रहे थे तो वे दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध यानी बूढ़ा, हताश यानी निराश। जब सभी नवयुवक सैकड़ों की संख्या में दरबार की ओर जा रहे थे तब उसी रास्ते पर एक बूढ़ा निराश यानी हताश होकर बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। रास्ते से आने जाने वाले सभी ये देख रहे थे, परंतु किसी ने भी उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं की। वृद्ध ने कई बार बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। कोशिश यानी प्रयास और असफल यानी सफलता न मिलना। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। मंत्री पद के लिए जो असंख्य उम्मीदवार आए थे उनमें से किसी ने भी बूढ़े आदमी को बैलगाड़ी का पहिया निकालने में मदद नहीं की। सभी उम्मीदवार दरबार की ओर जाते समय यह दृश्य देखते थे, परंतु किसी ने भी बूढ़े आदमी की सहायता नहीं की। छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि सिखाया हुआ भाग आपको समझ में आया होगा। अगली तासिका में हम पाठ का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।